जो सुधर जाए वो पाकिस्तान कहा, जो एक बार में बात मान जाए वो पाकिस्तान कहा, जो साजिश न रचे वो पाकिस्तान कहा। अब एक और खौफनाक साजिश रची जा रही है, एक भयानक साजिश। इस बार ISI भारतीय सैनिकों के लिए जहरीली साजिश रच रहा है। पाक आर्मी और ISI बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की ओर से भयानक साजिश रचने की बात कही गई है। साजिश भी ऐसी जिसमें निशाने पर है देश के सुरक्षा बल। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीली साजिश रच रहे हैं। सूत्रों की माने तो ISI सुरक्षा बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलाने का प्लान तैयार कर रहा है। जहर मिलाने के लिए ISI कश्मीर में मौजूद अपने एजेंट का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की चालबाजियों की इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बलों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने इसके कड़े इंतजाम भी कर लिए हैं और अलग अलग जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बलों की तैयारियां बढ़ गई है। सुरक्षा के इंतजाम और भी पुख्ता कर दिए गए हैं। जो भी इंतजाम है सब मुकम्मल है और सुरक्षा बलों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI की जहरीली साजिश का अब पर्दाफाश हो चुका है। जाहिर सी बात है भारत सरकार और सेना इसके लिए कड़े इंतजाम करने में जुटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से छद्म युद्ध करने की कोशिश में जुटा हुआ है, वैसे में अब इसको कैसे शांत करना है ये तमाम तरीके लगातार सोचे जा रहे हैं। जो खुलासा किया गया है उससे तो ये साफ है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है। एक ओर शांति की बात करता है तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ ही फिर से साजिश रच रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान बातों से नहीं मानने वाला, मतलब ये कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है। मतलब ये कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। पाकिस्तान दुनिया के सामने तो ये दिखा रहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन भारत की सरहदों पे वो लगातार गोलीबारी करने से भी बाज नहीं आ रहा।